कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बच्चों ने टीकाकरण करवाया और काफी उत्सुक दिखाई दिए। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर भारी संख्या में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। इस बारे में यह है कि बच्चों के लिए हमारे अच्छा है ना। जिस तरीके से सबसे पहले बुजुर्गों को लगाया गया था, उसके बाद जो है वयस्कों को लगाया जा रहा है, तो बच्चों को ज़रूरी है। और तीसरी लहर जो आ रही है, वो सुनने में ही आ रहा है कि बच्चों के लिए जो है ये ज़्यादा घातक है। तो सरकार ने, हमारे योगी सरकार ने जो ये किया है, हमारे मोदी सरकार ने, कि बच्चों को भी वैक्सीन लगे, ये बहुत अच्छा प्रयास है और हमारे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं लोगों में भी डर बना हुआ है। अब डर का माहौल तो अब नहीं रह गया, क्योंकि बहुत लोगों ने लगवाया। लखनऊ से संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, कल पहला दिन रहा बच्चों के वैक्सीनेशन का, तो पहले दिन यूपी में अगर बात करें, लखनऊ की अगर बात करें, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चों को जो है कल वैक्सीनेट किया गया और आज का क्या लक्ष्य रहने वाला है? और पहले दिन क्या किसी प्रकार की कोई कमी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई दी? देखिए प्रीति, हम आपको बता दें कि चूंकि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की गई है, जिसको लेकर के भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के जो कोरोना का जो है 15 से 18 वर्ष के जो किशोर किशोरियां हैं, उनके टीकाकरण का काम कल से शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें तो जो लक्षित वर्ग दिया गया है, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार ठंड भी चल रही है, तो उसका भी असर काफी देखा जा रहा है। हालांकि इस समय मैं मौजूद हूं बहराइच के वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी 9 बजे से ये वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन अभी यहां पर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। कल यहां पर जैसी कि मेरी बात हुई, लगभग 1000 किशोर किशोरियों का वैक्सीनेशन यहां पर किया गया है, जबकि जिले में 2,45,000 का लक्ष्य दिया गया है। तो इसको देख करके लगता है कि शुरुआत में अभी जो वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो काफी सुस्त है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी आगे आ रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा बढ़े। लेकिन क्योंकि कल पहला दिन था, लोगों में जागरूकता की भी कमी देखी गई, तो जो हम लोगों ने, जो स्वास्थ्य विभाग ने जो एक टारगेट रखा था कि पहले दिन जो है वैक्सीनेशन इतना अधिक होगा, कल उतना तो नहीं हो पाया। पहले दिन का टारगेट यहाँ पर हासिल नहीं किया जा सका है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया दिवाकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।